कि आपके साथ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का फ्रॉड हुआ है या फिर आपको कभी कॉल आया है और ये फ्रॉड करने की कोशिश की गई है। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के बारे में और किस तरह से ये होता है। पिछले कुछ दिन पहले मेरे पास एक फोन आया और ऐसे में इस फोन के अंदर ये कहा गया, एक लेडी बोल रही थी उधर फोन के दूसरी तरफ और वो कह रही थी कि भाई हम SBI के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं। अब SBI का मेरे पास एक डेबिट कार्ड है और साथ ही साथ SBI का एक क्रेडिट कार्ड मैंने रिसेंटली इशू कराया है। उनका फोन पे कहना था कि भाई आपका कार्ड जो है एक्टिवेट नहीं हुआ है और आपके कार्ड पे कोई ट्रांजैक्शन हुई है और वो इनवैलिड है, उनको वैलिड करने के लिए हम आपका कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे होता है। वो आपको सबसे पहले फोन पे पूछेंगे कि भाई आप कार्ड आपका सही चल रहा है ना, उसकी स्टेटमेंट वगैरह आपको मिल रही है ना, आपका डेबिट कार्ड ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह से आपको थोड़ा कहेंगे जैसे आपको लगे कि कस्टमर केयर से ही वो बोल रहे हैं। उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि क्या आप अपना कार्ड कैरी कर रहे हैं अपने साथ। ये चीज जानने के बाद कि आप अपना कार्ड अपने साथ कैरी कर रहे हैं, वो फिर आपसे कहेंगे कि आपके कार्ड के ऊपर कुछ इनवैलिड ट्रांजैक्शन है या आपका कार्ड एक्टिवेटेड नहीं है, आप उसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्टिवेटेड नहीं है। और एक्टिवेट वो करेंगे जब आप कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आप उनको देंगे। तो पहले वो आपसे कार्ड का 16 डिजिट का नंबर मांगेंगे, उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपके कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, वो सब पूछेंगे। उसके बाद आपके कार्ड का CVV नंबर जो आपको नहीं शेयर करना चाहिए वो मांगेंगे, जो कि कार्ड के पीछे की तरफ लिखा होता है। और ये सब पता करने के बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसकी जरूरत उन्हें पड़ने वाली है, जो कि अगर आप नहीं भी देंगे तब भी आपका नुकसान नहीं होगा, वो है OTP। जी हाँ, जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन गलती से दे चुके हैं उसके बाद वो कहेंगे कि हम आपके कार्ड के ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। और मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 5 लाख है तो वो धीरे धीरे ट्रांजेक्शन को बढ़ाएंगे। पहले 1500 की ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर 3000 की करेंगे, फिर 10000 की करेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे और आपके पैसे यहाँ पे कटते जाएंगे। लेकिन पहली ट्रांजेक्शन से ही आपको आएगा मैसेज, उसमें आएगा OTP और कोई भी ट्रांजेक्शन होने के बाद वो पैसे वो तब तक ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट में जब तक आप OTP शेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद भी आपको OTP नंबर जो है नहीं देना है, क्योंकि OTP के थ्रू होगा क्या, यहाँ पे जब इस तरह का फ्रॉड मेरे साथ करने की कोशिश की गई तो मैंने कार्ड की सारी डिटेल्स दे दी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कार्ड पे कोई भी ट्रांजेक्शन बिना OTP के नहीं हो सकती है। तो OTP जैसे ही मेरे पास फोन में आया उन्होंने कहा आप OTP बताइए और मैंने उन्हें OTP नहीं बताया। और अगर आप OTP नहीं बताएंगे तो आपके पैसे भी नहीं कटेंगे, इररिस्पेक्टिव कि उनके पास कार्ड की पूरी डिटेल्स हैं, क्योंकि वो कार्ड को फिजिकली स्वाइप तो कर नहीं सकते लेकिन इन पूरी डिटेल्स के थ्रू पेटीएम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और यही ये फ्रॉड के अंदर होता है जिसमें वो बेसिकली पैसे ट्रांसफर करते हैं आपके अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने पेटीएम अकाउंट में, क्योंकि वो क्विक एंड ईजी है उनके लिए और उसके लिए उनको चाहिए OTP, और OTP के बिना ये चीज नहीं होती है। और ज्यादातर कार्ड आजकल OTP के फीचर के साथ आते हैं। तो ऐसे में जो मैंने आपको बताया कि OTP आपको नहीं देना है, अगर आप OTP शेयर नहीं करेंगे तो आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो OTP ही इंपॉर्टेंट चीज है और OTP ही एक ऐसी चीज है जिससे आपके पैसे बच सकते हैं अगर आप उसे शेयर ना करें। इसीलिए लिखा आता है OTP को किसी के साथ भी शेयर ना करें। कोई भी SBI के रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव आपसे कभी भी OTP नहीं मांगेंगे और इसीलिए आपको OTP शेयर नहीं करना है। यही मेन चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ फ्रॉड हो, कुछ हद तक भी आप अगर नहीं समझ पाए तो OTP जैसे ही वो शेयर करें या फिर वो मांगे आपसे, आप उनको OTP मत दीजिए, क्योंकि OTP पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हमारे संविधान के अंदर जो रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जरूर बनाया, OTP इज प्राइवेट फॉर यू ओनली, जो कि अगर आप चाहें कोई दुकानदार की पेमेंट कर रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे पेमेंट कर रहे हैं पेटीएम से या किसी और चीज़ से, तो एक अलग बात है, उसमें आपको पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन आप किसी को भी फोन पे मत बताइए OTP, तब आपका जो है पैसा बच जाएगा और आपका नुकसान नहीं होगा। आई होप कि वीडियो के अंदर आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे आगे ताकि और लोगों का भी फायदा हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।